बनाएंगे, जैसे केनवा है इसको बॉईल करेंगे हम, और उसमें इंग्रेडिएंट ये सब डालेंगे। साथ में आलू, बॉईल आलू मैश करके रखे हैं ये, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को पेस्ट बनाएंगे। गाजर है, शिमला मिर्च है, ये स्प्रिंग ऑनियन है, मटर है, धनिया है, प्याज है, सबको मिलाएंगे। किनुआ बॉईल करके रखे हुए हैं, आलू मैश कर लिए हैं, अब किनुआ को आलू में मिला देंगे। इसमें सारे ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे 1 चम्मच, ये काटे पूरा जो मटर, गाजर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन, ये हरी मिर्च एक है काट के रखे हैं, प्याज और धनिया पत्ता, सारे को एक साथ हम मिला लेंगे। इसमें नमक और चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब। चाट मसाला में भी नमक रहता है, इसलिए थोड़ा कम नमक डालेंगे। सारी चीज को हम मिला लेंगे साथ में, एक साथ अच्छे से। ये बहुत हेल्दी होता है, आप भी बना के खा सकते हैं। इसमें थोड़ा बीट प्रेस कर कद्दूकस करके डाल रहे हैं, इसे टेस्ट अच्छा आता है और हेल्दी भी होता है। इसको रेस्ट करने देंगे, देखिए रेस्ट कर लिया है ये मसाला, इस तरह से गोली बना बना के। बड़ा बनाना है तो बड़ा गोली बना लोई ले लीजिए, छोटा बनाना है तो छोटा लोई ले लीजिए। उसको इसको इस तरह से चपटा कर देंगे, और ब्रेड क्रम है ये, उसमें ऐसे लपेट लपेट के इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें नॉन स्टिक में करेंगे, कम तेल देके करेंगे। हम सरसों तेल डाल रहे हैं, आप जो तेल खाते हैं वही तेल डालिएगा। पूरे में लगा दें, इसको गर्म होने देते हैं, फिर इसको एक एक करके सबको डाल देंगे। धुआं निकलने लगा है इसमें से, अब इसको एक एक करके हम डाल देंगे। एक साइड सिक जाएगा, फिर हम दूसरे साइड कर देंगे। ज्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगा। कम कम करके डालेंगे, अच्छा से पक भी जाएगा और सीखेगा भी, और पलटने में भी आराम रहेगा। एयर फ्रायर में भी हम कटलेट बनाए हैं किनुआ का, आप जाके देख सकते हैं, उसमें तेल नहीं लगा है। इसमें भी देखिए बहुत कम तेल में सिक जा रहा है, देखिए एक साइड लाल हो गया है, दूसरे साइड हम पलट दिए, दूसरी साइड भी इसी तरफ लाल हो जाएगा, फिर निकालेंगे। बहुत हेल्दी होता है, ठंड के दिन में अच्छा भी लगता है खाने में, मटर गाजर डाल के, और बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। अब बनाइए, खाइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा।
इसी तरह सारा हम बना लिया है, अब सबको सेक लेंगे अच्छे से। देखिए हो गया है, देखिए दोनों साइड से गया है, अब इसको हम निकाल रहे हैं। इसी तरह दूसरा बैच भी डाल देंगे। देखिए कितना करारे बना है। आप इसको किनवा टिक्का भी बोल सकते हैं, कबाब भी बोल सकते हैं, आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बना है, आप बना के ट्राई जरूर कीजिए। एक चम्मच तेल पहले डाले थे और एक चम्मच अभी डाल रहे हैं, बस ज्यादा तेल का जरूरत नहीं होता। दो चम्मच में पूरा बन गया मेरा, इसको पलट देंगे। देखिए कितना करारे बन रहा है। ये भी हो गया है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए दूसरे साइड भी करारे बन गया है, हम इसको अब एक एक करके सबको निकाल लेंगे। हम दो चम्मच तेल में पूरा मेरा बन गया है। देखिए ये किनवा का कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, इसको टिक्का भी बोल सकते हैं, पकौड़ा भी बोल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप बनाइए, सलाद और सजवान चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और मेरे चैनल पर जाके बेल आइकन दबा के मेरा और भी रेसिपी डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।